वन वेलकम बैक सो आज हम इस ड्रामा का पार्ट थर्ड एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर शिन को देखते हैं जो कि काई के पीछे भागती है क्योंकि उसे उसकी फोटो जो खींचनी थी पर काई कहाँ उसे भाव देने वाला था वो तो कहता है सुनो तुम उससे दूर रहो तभी शिन कहती है कि मुझे बस एक फोटो ही तो खींचनी है तभी काई फाइनली उसे परमिशन दे देता है और कहता है ठीक है इसके बाद तुम तो मेरा पीछे छोड़ दूंगी ना तभी शिन कहती है शायद छोड़ दूंगी इसके बाद वो फाइनली उसके साथ एक फोटो खींच ही लेता है ये सभी वापस अपनी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यहाँ पर शिन काय का पीछा करते हैं उसके डॉम में घुस जाती है यहीं पर सारी लड़की अपनी इज्जत बचाते हुए उससे कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों आई तभी शिन कहती है कि ठीक है तो तुम सब लोग अपने कपड़े पहन लो ना मैं तो बस यहाँ पर काय से मैं ले आई थी तभी काई कहता है तुम यहाँ से बाहर जाओ ना कहती है कि नहीं वो उसकी हेल्प करने वाली है क्योंकि वो उसका सामान अभी क्यूँकी है ना तो वो सारा कुछ सब लगा देगी तभी काय कहता है कि नो थैंक्स तभी यहाँ पर बाकी के लड़के कहते हैं ठीक है तुम्हें जो करना है कुछ भी करो बट हमारी इज्जत तो बचाओ यार का यहाँ पर लियांग से मिलता है पर उसे इग्नोर करता है और कहता है कि तुमने कहा था ना मैं यहाँ पे नहीं आ पाऊंगा पर देखो आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ एंड मुझे कभी डेयर करने की कोशिश भी मत करना अब हटो मेरे रास्ते से इसके बाद ये सभी अपनी क्लास में जाते हैं यहाँ पर एक लड़की काय के बगल में आके बैठने लगती है तभी काय कहता है कि तुम तो पर नहीं बैठ सकती तो वो कहती है क्यों यहाँ पर सीट खा ली है तभी काय कहता है कि नहीं मेरी डेस्कमेट हमेशा से शाह म्यामी है इसके बाद वो तो म्याम को आवाज लगाते हैं और कहता है कि तुम यहाँ पर आकर बैठो ना पागल बाहर रास्ता मत खोजो हम दोनों डेस्क मेट हैं और हमेशा रहेंगे म्याओ यहाँ पर लियांग को दूर से देख रही होती है तभी यहाँ पर उसकी इंट्रोडक्शन एक सीनियर से होता है जिसको वो पहले भी लियांग के साथ देख चुकी थी एंड म्यामियाओं को उसे यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इसके बाद वो लियांग के पास जाती है लियांग उसे अपनी वर्कशॉप में ले जाता है यहाँ पर जब लियांग कुछ काम करने के लिए चला जाता है तो उसे उसका बेस्ट फ्रेंड श्याम मियाँ उनको कंपनी देने लगता है तभी म्याँ म्याँ जब उसके प्रोजेक्ट को देख रही होती है तो अचानक से आकर म्याँ म्याँ को डरा देता है और म्याँ म्याँ लियांग का इतनी मेहनत से बनाया हुआ प्रोजेक्ट तोड़ देती है तो ये कहता है तुम्हें तो पता है इसकी पनिशमेंट क्या होती है इसके बाद वो म्याँ म्याँ को बताता है कि जब मैंने एक बार लियांग का यही वाला प्रोजेक्ट तोड़ा था तो सारे जूते उठाकर मेरे सर पर रख दिए गए थे और मुझे एक गंदे से सॉक्स के साथ टॉर्चर किया गया था अब वही तुम्हारे साथ होगा जब लियांग यहाँ पर आता है तो म्यामा उसे सॉरी बोलती है और यहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है तुम्हें पता है मैंने अपने सॉक्स तीन दिनों से नहीं धोए हुए हैं मैं इसे तुम्हें दू ताकि तुम म्यामा को परेशान कर सको और उसे पनिशमेंट दे सको तब यहाँ पर लियांग कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है उसके बाद वो म्यामा से कहता है कोई बात नहीं उसे ठीक कर लेगा तभी वो कहता है कि तुम सभी के साथ इतने काइंड क्यों हो सिवाय मुझे छोड़कर तभी यहाँ पर लियांग कहता है कि शाओ में माओ बिल्कुल की तरह है उसके लिए वो उसकी कजन की तरह ही है तभी यहाँ पर वो कहता है तो तुम मुझे अपने भाई की तरह मान लो ना फिर तुम मुझे पनिश नहीं करोगे तभी यहाँ पर लियांग कहता है चलो हटो अपने देखना छोड़ो मियामा की आर्ट इतनी अच्छी नहीं होती फिर भी वो लियांग के चक्कर में आर्ट क्लास जॉइन कर लेती है यहाँ पर जब वो ड्राइंग वो बना कर लाती है तो उसने डॉइंग में उनकी पिक्चर बनाई थी तभी उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है तभी लियांगू उसे एक्सप्लेन करता है कि इसमें कोई भी क्रिएटिविटी तो मुझे नहीं दिखी तो आई एम सॉरी मैं इसे कैसे एक्सेप्ट एकसे करूँ तभी मियामा को इस बात पर बुरा लगता है कि लियांग ने पहली बार उसे किसी चीज़ के लिए मना किया है शिन भी काय का टेंशन पाने के लिए क्या कुछ नहीं करती वो ब्रॉडकास्ट स्टेशन में सारा कुछ सेटअप ख़राब कर देती है इसके बाद वो काय को फ़ोन लगाती है और कहती है कि पता कुछ भी ऑन नहीं हो रहा है मैं बहुत परेशान हूँ मैं क्या करूँ तभी काय कहता है तो मुझे परेशान मत करो तभी यहाँ पर शिन कहती है तो उससे सीनियर डांटेंगे ना क्योंकि उसने सब खराब कर दिया तभी काय को ना चाहते हुए भी उसकी मदद करने के लिए आना पड़ता है तभी शिन कहती है वो तो हमेशा से स्मार्ट थी बट उसे काय से जो काम करवाना था पर हमेशा की तरह का उसे जरा भी भाव नहीं देता और वहां से चला जाता है और कहता है कि सुनो मैंने अभी हेल्प कर दी आगे से परेशान मत करना मैं मैं जब बीच धूप में अपनी ड्राइंग बना रही होती है तो यहाँ पर ये यह डोरेमोन ही बनाती है इसके बाद वो भगवान से प्रे करती है कि भगवान मुझे यही डोरेमोन दे दो यहीं पर एक लड़का आकर म्यामाओं से बात करता है और ये बात लियांग को थोड़ी अच्छी नहीं लगती इसके बाद वो तो सभी को अरेस्ट करने के लिए बोलता है और म्यामियाँ को सिक्योरिटी अलर्ट मिलता है और उससे सिक्योरिटी रूम आने के लिए बोला जाता है पर उसे पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली वो रूम है कहाँ पर तभी लिया कहता है कि चलो तो मेरे साथ मैं जब वो वहाँ पर जाती है तो देखती है कि उसकी छोटी बहन उसके घर से भाग कर उससे मिलने के लिए आई है तो ये कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी तो तयों कहती है कि उससे उसकी याद आ रही थी एंड प्लीज़ अब को मत बताना वो मुझे बहुत मारेंगी जब यहाँ पर म्यामा कहती है तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो ते कहती है कि मुझे बताया कि तुम मुझे नहीं मार सकती पर उसकी बहन लियांग को भी टीस करती है और कहती है कि आप दोनों को ज्यादा क्लोज नहीं लग रहे थे मामा कहती है कि छोटा मुंह और बड़ी बात मुंह कम चलाया करो इसके बाद जब उसके में जाती है तो यहाँ पर उसकी एक रूममेट है जिसकी मिया में उसे बिल्कुल नहीं पड़ती इसके बाद वो उसे काफी भरा भुरा सुना देती है तुम काफी अगली हो शक्ल देखी है तुमने अपनी छोटी बहन घर जाकर अपनी गोलक तोड़ कर सारे पैसे जमा करने लगती है तभी उसकी मोम कहती है कि ये सब किस लिए तो ये बताती है कि उसकी सिस्टर की एक रूममेट है जिसने उसकी सिस्टर को अगली कहा वाइन वो नहीं चाहती उसकी सिस्टर अगली लगी है वो उसके लिए स्किन केयर लेने जा रही है ताकि वो और भी सुंदर हो जाए जैसे स्किन केयर का एडवर्टाइजमेंट को ज्यादा ही अच्छा दिखाया गया है इसको अप्लाई करने के बाद शाम हम बिल्कुल भग भग गोरी हो जाती है यहाँ पर उसे नोटिस करता है और कहता है कि तुम आज कुछ अलग लग रही हो तभी वो कहती है क्या क्या अलग लग रही हूँ तो कहता है कि देखो तुम्हारा स्किन कल बहुत फेयर हो गया है तुम काफी सुंदर भी लगने लगी हो तभी यहाँ पर उसे थैंक यू बोलती है उसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और जब वो लियांग के साथ लंच करने के लिए जाती है तो यहाँ पर लियांग कहता है कि तुम में तो कोई चेंज आया ही नहीं लेकिन उसे अब तक सब लोग कह चुके थे कि उसमें चेंज आया है बट लियांग ने उससे नहीं कहा इसके बाद उसे सबके कॉम्प्लीमेंट फीके लगने लगते हैं जब मैं क्लास में जाती है तो अपना प्रोजेक्ट अपने टीचर को जमा करती है तो ये उसके टीचर कहते हैं कि इसे फिर से, से रिड्रॉ करके कर लाओ बिकॉज ये गलत बना हुआ है तो ये वो कहते हैं कि तुम्हें का से हेल्प लेनी चाहिए बिकॉज वो काफ़ी बोल्ड है एंड उसके प्रोजेक्ट काफ़ी सही रहते हैं उससे कभी भी रिड्रॉ करने की जरूरत नहीं रही तभी गाय कहता है कि मुझे पता है कि टीचर ने मेरी तारीफ़ किया तो हम कहती है कि हाँ तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट हो और तुमसे ज़्यादा स्मार्ट तो कोई है ही नहीं इतना सुन के खुश होना तुम अब मुझसे दूर रहो और बात मत करो इन यहाँ पर हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जिन्हें एक नज़र में ही मैं टीचर काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाते हैं इसके बाद वो मिस्टर लू से उनका नंबर मांगती हैं तभी यहाँ पर मिस्टर लू कहते हैं कि वो उनका नंबर क्यों दे इसके बाद जब वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती हैं तो वो उन्हें गलत नंबर दे देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इन प्रोफेसर की नज़र कुछ ठीक नहीं लग रही नहीं बस म्यामियाँ और ले काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं बट काम करते करते म्यां को नींद आ जाती है इसके बाद ले उसे जगाता है कहता है कि काम ख़त्म हो गया अब हम चल सकते हैं कहीं पर हम शिन को देखते हैं जो कि रात को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी तभी वो यहाँ पर मामा को बात करती है बताती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है इसके बाद वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि भाग कर क्लास में छुप जाती है इसके बाद वो काई को कॉल करती है और उससे उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है वो कहती है कि वो यहाँ पर फंस गई है कोई उसे फॉलो कर रहा है तभी काई कहता है कि तुम चुप रहो तुम जैसी चुड़ैल को बस से भूत ही फॉलो कर सकता है एंड तुम कुछ ज़्यादा ही ओवरिएट मत करो इसके बाद काई उसका फ़ोन काट देता है लेकिन जब अगले पल उसे याद आता है वो मुसीबत में हो सकती है इसके बाद वो तो जल्दी बल्दी से कपड़े पहनकर उसे ढूंढने के लिए भागता है यहीं पर लियांग भी उसे ही ढूंढ रहा था इसके बाद ये दोनों मिलकर फाइनली शेन को ढूंढना स्टार्ट करते हैं यहाँ की काय को शेन पहले मिल जाती है शेन उसे गले लगा लेती है और कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी ना तो काफ़ी हद डर गई थी इसीलिए उसने उसे कॉल किया यहीं पर काई भी उसे गले लगा लेता है स में डरी हुई जो थी इसके बाद ये दोनों बैठते हैं तो पता चलता है कि करने वाला कोई और नहीं दरअसल वो आंटी थी जो कि यहाँ पर सफाई का काम करती हैं एंड वो सिर्फ यहाँ पर रात में सिर्फ बोटल्स ढूंढ रही थी ताकि वो साफ़ कर सके इसके बाद वो सभी से सॉरी बोलती है और कहती है कि उसे लगा कोई उसे फॉलो कर रहा है लेकिन उसका रोना चालू रहता है वो सभी को परेशान नहीं करना चाहती थी बस उससे लगा शायद उससे कोई फॉलो कर रहा है इसलिए उसने ऐसा किया म्याम को आर्किटेक्चर से ज़्यादा डिज़ाइनिंग का शौक़ था इसके बाद वो क्लास में उसकी ये फैशन डिजाइनिंग के, के बारे में पढ़ रही थी तभी टीचर उसे नोटिस कर लेते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है तो तुम वो ट्राई कर सकते हो बट म्यामें वो नहीं मानती इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें दरअसल कैसे काय से ट्यूशन लेना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है इस बारे में बात करती है तभी गाय ने ये सब पहले सुन लिया था और कहता है कि टीचर ने क्या कहा कि तुम्हें मुझसे ट्यूशन लेना चाहिए तभी वो कहती है कि हाँ पर मुझे पता है कि तुम इस बात के लिए मानोगे नहीं इसलिए कहना ही बेकार है तभी गाय कहता है कि मैंने तो अभी डिसीजन लिया ही नहीं बट इतने में मैम जा चुकी थी और कहता है कि मैं तो उसके लिए तैयार था बट यही पागल है मैम की फ्रेंड उसे फोर्स करती है कि उसे अब लियांग से सीनियर कहना बंद कर देना चाहिए क्योंकि अब वो उसका बॉयफ्रेंड है वन साइडेड क्रश भी है तो उसका नाम लेना चाहिए इससे ना जो बॉन्ड है वो काफ़ी क्लोज हो जाता है तभी यहाँ पर मेम कोशिश करती है पर उसके मुंह से सिर्फ सीनियर ही निकलता है और कुछ वो कह नहीं पाती यहाँ पर लिया के पूछने पर वो मना कर देती है और कहती है कि सॉरी ऐसा कुछ भी नहीं था इसके बाद स्कूल इस में एक प्रोग्राम होता है जहाँ पर सभी फ्रेंड्स को आना होता है यहाँ पर जब शिन काफ़ी तैयार होकर क्या है कि पीछे बैठ जाती है तो वो काय से पूछते कि क्या मैं आज अलग लग रही हूँ तभी काय कहता है कि बिल्कुल नहीं जैसी तुम लग रही थी वैसी लग रही हो तभी यहाँ पर शेन कहती है कि उसे क्लोज से देखो ना वो अलग लग रही है तभी काय कहता है कि हाँ तुमने काफी ज्यादा मेकअप थोप रखा है इसकी वजह से तुम काफी वियर्ड लग रही हो तभी यहाँ पर हम देख सकते हैं काय को शेन से ज्यादा मैम में इंटरेस्ट है ये लव ट्राइंगल की शुरुआत तो हो ही चुकी है तभी यहाँ पर शेन को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम मुझे कभी नोटिस क्यों नहीं करते तभी काय कहता है कि ठीक है नोटिस करूंगा पर पहले गेम पर ध्यान दो इसके बाद सभी टीम अप होते हैं

मियाँ और लियांग और लियांग बेस्ट फ्रेंड स्टडी करते हैं लेकिन बेस्ट फ्रेंड काफी ज अनोइंग रहता है तो इस दोनों को परेशान करने लगता है इसके बाद जब वो सो जाता है तो ये दोनों रूट पर जाते हैं ताकि ये दोनों लिए हवा ले सकें यहाँ पर म्यामियाओं अपने हाथों से लियांग का नाम आसमान पर लिखने को होती है तभी लियांग कहता है तुमने मेरा नाम लिखा तो तभी म्याम कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और वो कह ही देती है कि हाँ उसने विशिश मांगी है उसका नाम लिख कर क्योंकि ऐसे विशिश शायद पूरी हो जाती है तभी लियांग म्यामाओं का नाम लिखता है म्यामियाओं का नाम आसमान पर लिखता है और कहता है कि मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ विशिश मांगी है यानी यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्यार तो होने लगा है जब ये दोनों जाते हैं तो लियांग का बेस्ट फ्रेंड सो चुका था इसके बाद वो लिपस्टिक उसके हाथ पर लगा देता है इसके बाद सुबह तक लियांग बेस्ट फ्रेंड की, की शक्ल किसी बंदर से कम नहीं थी उसी ग्रुप में उटाती है जिसका लियांग पे क्रश था यहाँ पर वो उसे कहती कि तुमने अपनी शक्ल देखी है तुम्हारी शक्ल कैसी हो गई है उसका चेहरा साफ करने में उसकी हेल्प करती है यहाँ पर उसका फ्रेंड तो इसी बात से खुश था कि कोई लड़की तो उसके पास आई म्याम म्या क्लास में जाकर पढ़ने को होती है तभी यहाँ पर काई पहले से ही था तभी वो कहता है कि ये क्लास सिर्फ अकेली इस पूरे कॉलेज में खाली इसलिए वो यहाँ पर पढ़ रहा है यहाँ पर म्यामा भी वहीं पर आकर पढ़ने लगती है तभी कभी काई उसे पढ़ाने लगता है और वो उसे उसकी गलती पर उसे स्टिक से मार रहा था तभी यहाँ पर जब लियांग ये सब दिखता है तो कैसे सैन कर पाता इसके बाद वो काई की स्टिक पकड़ लेता है तो उससे कहता है तुम तो अपना काम करो मैं मामा को पढ़ा दूंगा इसके बाद जब वो मामा को पढ़ाता है तब म्याम कहती है तुम्हें भी लियांग से पढ़ना चाहिए बिकॉज वो हमारा सीनियर तो उसे हमसे ज़्यादा पता है तभी भी काय कहता है तो मुझे मत समझाओ मुझे उससे ज़्यादा पता है शिन के बाद दरअसल काय की वही वाली फ़ोटो थी जो कि उसने खींची थी इसके बाद जल्दी जल्दी मैं जब वो काय के पीछे भागती तो अपनी फोटो हामयाओं की बुक में रख देती है इसके बाद जब ये सब क्लास में जाते हैं तो यहाँ पर टीचर जब मामाओं की बुक उठाते हैं तो उसमें काय की फ़ोटो निकलती है इसके बाद जब काय उसे देखता है तो उसका काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है उसे लगता है शायद मैं मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है तो अभी टीचर भी इसको देख कर मुस्कराने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ यहीं पर चक्कर चल रहा है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है इसके बाद मामा उस फोटो को पकड़ती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसे मिसअंडरस्टूड मत होना मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया तुम्हारी फ़ोटो गलती से आ गई होगी तभी यहाँ पर काय कहता है ठीक है वो मिसअंडरस्टूड नहीं हो रहा है बट इसमें कुछ बात है क्या तभी म्याओ कहती है कि ज्यादा मत सोचो बट काई एक मनी मन में शर्मा जो रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि म्या म्याओं उसे पसंद करती है शिन काय की तरह दिखने के लिए उसी की तरह की स्कूटी खरीद लेती है इसके बाद वो काय के पीछे पीछे जाने लगती है यहाँ पर म्या म्याओं लियांग के साथ घर जाने के लिए होती है बिकॉज इन सभी के वेकेशन आ गए थे इसके बाद ये दोनों एक ही बस में जाते हैं यहीं पर उसकी फ्रेंड ने उसे बताया था कि तुम दोनों को क्लोज आना है तो उसे अपनी एयरफोन शेयर करो बट ऐसा हो नहीं पता लेकिन पहले से अपने एयरफोन अपने कानों में घुसाए हुए था नहीं बीच रास्ते में ही शिन की स्कूटर की बैटरी डाउन हो जाती है इसके बाद वो काई को आवाज लगाती है पर काई उसकी बात सुनता ही नहीं है वो काफी दूर निकल चुका था तभी शिन कहती है कि मैं और मेरी फूटी किस्मत सभी बहुत ही बेकार है इसके बाद काई लौट कर आता है क्योंकि उसे पता है कि शिन बहुत ही पागल है और वो कुछ नहीं कर पाएगी इसके बाद वो उसे लिफ्ट देता है और कहता है कि आओ मेरे साथ बैठ जाओ एंड चिंता मत करना शिन उसे बिल्कुल बॉयफ्रेंड वाली फील लेकर उसे अच्छे से पकड़ लेती है बट वो वो ऐसा चाहता नहीं था इसके बाद वो कहता है कि ज्यादा रोमांटिक मत बनो एंड मेरा बैग पकड़ो वैसे इसमें काफी ज्यादा अंतर है जब एक बार म्यामा उसकी स्कूटी पर बैठी थी और उसने उसे दूर से पकड़ा था तब तो काई ने उसे झटका देकर उसे उसकी कमर पकड़ने के लिए बोला था मतलब बंदा भेदभाव बहुत ही ज्यादा करता है म्यामा की फ्रेंड ने उसे बताया था कि तुम्हें उसके कंधे पर सोने का नाटक करना होगा बट म्यामा से ऐसा होता नहीं है उससे पहले ही लिया उसे कंधे पर सो जाता है इसके बाद क्या था म्यामा को बटरफ्लाईस आने लगती हैं और कहती है कि ये सब क्या हुआ मैं ये सब सहन नहीं कर सकती लियांग जब शॉप पर जाता है तो वहाँ पर एक अंकल दरअसल अपने कुछ बाउल बेचने के लिए होते हैं बट उन्हें कोई लेना नहीं है इसके बाद लियांग उन पर पेंटिंग बना देता है ताकि लोग उसे खरीद सकें यहीं पर म्यामियाँ भी उसे शॉप पर कुछ लेने के लिए आती है तभी लियांग उसे रोकने के लिए होता है पर म्याम काफ़ी जल्दी में अंदर घुस जाती है इसके बाद उसका काफ़ी टाइम तक वेट करता है लियांग हर आती हुई लड़की को देख रहा था कहीं म्यामियाँ तो नहीं यहाँ पर जो अंकल बैठे थे वो सब कुछ समझ रहे थे और कहते हैं कि हाँ तुम्हें पता है मुझे पता है तुम किसे ढूंढ रहे हो इसके बाद लियांग कहता है कि नहीं अंकल जी ऐसा कुछ भी नहीं है इसके बाद जब म्याों निकलती है तो लियांगो से रुकता है और उसे एक बाउल गिफ्ट कर देता है दरअसल उस पर वही लाइट हाउस एन एक लड़का लड़की हुए थे एन एक कपड़ बना हुआ था और इसके बाद म्यामया उसे देख शर्मा जाती है और कहती है कि क्या ये दोनों हम हैं तो फिर लिया कहता है कि हाँ ये हम ही दोनों है तभी मियाओ को लगता है कि क्या ये कपल हम ही फिर बात पलट जाती है और कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन जब मैं सारे बाउल पर देखती है तो उन्हीं पर सेम ही पेंटिंग बनी थी एक लाइट हाउस और एक कपल इसके बाद क्या था वो दोनों शर्मा कर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं न्यू ईयर के दिन शिन जैसे तैसे मियाओ की मोम को मना कर उस लिया के घर पर इन्वाइट कर लेती है जब लिया का बेस्ट फ्रेंड जब लियांग का बेस्ट फ्रेंड उनके घर पर आता है तो काई उसे अंदर आने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें अंदर आने की ज़रूरत नहीं है हमारे न्यू ईयर पर कुछ नहीं होने वाला जब शिन आती है तब भी काई और लियांग उन दोनों को मना कर देते हैं लेकिन जब मियाँ मे घर पर आती है तो तो लियांग और काई दोनों दोनों बड़े प्यार से उनका स्वागत करते हैं इसके बाद क्या था सभी बैठ कर कार्ड खेलते हैं होम मेड ड्रिंक करते हैं काई ने इससे पहले कभी भी कभी भी ड्रिंक नहीं की थी इसके बाद यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि काई तो काफ़ी ज़्यादा ओबीडेंट है यहाँ पर शिरकत ये कि काई हैंडसम भी है एंड काफ़ी अच्छा भी है इसलिए वो उसे पसंद करती है पर काई उसे कहता है कि ज़्यादा मत चलाओ जब तक बारह बजते हैं न्यू ईयर मनाने का टाइम होता है उससे पहले ही सारे लोग सो चुके थे यहाँ पर ले अकेला ही जाग रहा था इसका जब देखता है तो काई का हाथ दरअसल दरअसल म्याम के हाथ पर रखा हुआ है इसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा जेलेसी होती है अफदर वो इन दोनों को दूर करता है सभी को उठा उठा वो अलग अलग कमरे में सुला देता है इसके बाद जब वो म्याम को उठाकर अपने कमरे में लेटाता है इसके बाद उसे अच्छे से सुला देता है उसका मेमों को उठाना और शिन को उठाने में काफ़ी ज़्यादा अंदर है ये तो हम देख ही सकते हैं वो उसे ले जा रहा होता है तभी मैं वहाँ उसकी काफी पास रहती है और कहती है किसी की मुझे आपसे बात कहनी है तभी लंग कहता है क्या तभी वो कहती है कि मेरे चश्मे कहाँ हैं तभी लंग सोचता है शायद ये कुछ और कह रही है वो कहता है कि ठीक है तुम तो अभी जाऊँ मैं, मैं बाद में ढूंढ दूंग दूंगा सुबह ऐसे भी उठ जाते हैं तभी म्या म्याओं सबसे पहले उठ जाती है इसके बाद वो देखती है की वो लिया के कमरे में यहीं पर लियांग उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और कहता है कि चलो हम ब्रेकफास्ट कर लें तो म्याओं कहती है कि हम सबको जगाएं तभी लियांग कहता है कि नहीं नहीं हम पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं आखिर लियांग को म्यामियाओं के साथ अकेले ही ब्रेकफास्ट करना था इसलिए वो किसी को जगाते नहीं है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर राइस